गाइस hey तो ये है मैकबुक और ये है शाओमी का मैकबुक तो दो लैपटॉप्स लॉन्च किए शाओमी ने मी नोटबुक प्रो एंड मी नोटबुक अल्ट्रा मेरे पास मी नोटबुक अल्ट्रा है विद आई फाइव प्रोसेसर यहाँ पे सिक्सटीन जीबी की रैम है फाइव ट्वेल्व जीबी की एनवीएमएसडी है इंटेल आईरिस एंड ये बड़ा सा फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच का नाइनटी हर्च डिस्प्ले तो क्योंकि हमने मैकबुक की बात छेड़ी थी तो सबसे पहले इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं बिकॉज शाओमी ने काफी बढ़िया काम किया है यहाँ पे जिफ यूज द रियली हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम तो पूरी मेटल की बिल्ड है यहाँ पे यह लैपटॉप पे एंड इट जेन्यूनली फील्स लाइक अ बिग मैकबुक तो इंस्पिरेशन लिया है शाओमी ने अच्छा किया बिकॉज ये लैपटॉप काफी प्रीमियम लगता है एंड हां ये एक हाथ से खुल भी जाता है तो उसके बारे में टेंशन मत लेना जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हो यू कैन सी दैट यू हैव अ वेरी बिग कीबोर्ड इनसाइड बिकॉज 15.6 इंच का लैपटॉप है तो जगह काफी है काफी वेल स्पेस्ड आउट कीबोर्ड है एंड इस पर टाइप करना भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है यू कैन ईजिली टाइप मुझे टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं लगी एंड फाइनली यहाँ पे शाओमी ने एक बैकलेट की भी दे दिया है ये की में उतना फ्लेक्स भी नहीं है तो इट्स मेड वेरी वेल बस मेरी एक कंप्लेन रहेगी यहाँ पे कि शाओमी ने आपको नम पैड नहीं दिया एंड फिफ्टीन 6 इंच के लैपटॉप्स में नंबर पैड यूजुअली होता ही है काफी सारे अकाउंटेंट्स हैं मतलब सीएज हैं एंड डेटा एंट्री में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए नंबर पैड काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड उनके लिए शायद ये डील ब्रेकर भी हो सकता है मेरे लिए डील ब्रेकर नहीं है बट आई फील 15.6 इंच का अगर आप लैपटॉप दे रहे हो तो द स्टैंडर्ड इज टू गिव अ नंबर पैड इन द लैपटॉप बाकी यहाँ पे इस कीबोर्ड में आपको एक माइक्रो की मिलती है तो मतलब आपको जो भी सेट करना है एक्शन आप उससे सेट कर सकते हो उसके ऊपर यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर है इंटीग्रेटेड विद द पावर बटन फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी क्विक है काफ़ी फास्ट है तो वहां पे कंप्लेंट करने जैसा कुछ है नहीं एंड यहाँ पे आप सारी फंक्शन कीज देख सकते हो उस पर अलग अलग दूसरे लैपटॉप्स की तरह शॉर्टकट्स है तो आपको जो करना है शॉर्टकट्स आप क्विकली कर सकते हो मेरा स्पेशल फेवरेट ये एफ वाला था आप इस पर क्लिक करोगे आप इंस्टेंटली स्क्रीन शॉट ले सकते हो विद द विंडोज स्निपिंग टूल तो ओवरऑल काफी अच्छा कीबोर्ड है ये आपको एरो कीज फुल साइज की मिलती है शिफ्ट की आपको थोड़ी छोटी मिलती है बट यू नो नम पैड शावमी देता तो बेटर होता इस बड़े से कीबोर्ड के नीचे आपको एक बड़ा सा ट्रैक पैड भी मिलता है नहीं ग्लास का ट्रैक पैड नहीं है जो आपको मैकबुक्स पे मिलता है बट फिर भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है जो भी विंडोज के जेस्टर्स है लाइक पिंचिंग स्वाइपिंग जूमिंग टू फिंगर जेस्टर्स थ्री फिंगर जेस्टर्स आसानी से चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बट मुझे ना ये ट्रैक uh, पैड का फीडबैक उतना अच्छा नहीं लगा आप जैसे ही ट्रैक पैड को प्रेस करते हो थोड़ा सा चीप साउंड आता है यहाँ पे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आई विश कि मैकबुक की जो डिजाइन ये लोग कॉपी करते हैं उसके साथ साथ अगर ये लोग मैकबुक का ट्रैक पैड भी कॉपी कर पाए तो बहुत ही अच्छी चीज होगी बिकॉज बाकी ये लैपटॉप है है काफ़ी प्रीमियम बट अब जैसे ही वो ट्रैक पैड प्रेस करते हो ना यार वो जो चीप फीलिंग आती है वो मुझे अच्छी नहीं लगी तो ट्रैक पैड का फीडबैक शाहू में इम्प्रूव कर सकता है नेक्स्ट वाले में बट बाकी ट्रैक पैड के प्रसिशन में एंड परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगे अरे ब्रो ये सब छोट मेन बात तो पता गेम चलती है या फिर नहीं जी टी में

लाइट गेम्स हैं वो यहाँ पे आसानी से चल जाती है इनफैक्ट 1080p पे लो सेटिंग्स पे ये गेम्स आपको 80 90 के ऊपर भी एफपीएस दे सकती है जो बहुत ही मस्त है ऑन दिस डिस्प्ले क्योंकि ये 90 हर्ट्स का डिस्प्ले है तो अगर कोई भी गेम आपको 60 से ज्यादा एफपीएस दे रहा है तो वो जो स्मूथनेस आप फील करोगे स्पेशली इन फास्ट पेस्ड गेम्स लाइक वैलोरेंट तो बहुत ही मजा आता है देखने में तो वैलोरेंट एंड ये सारी गेम्स अगर आप खेलते हो तो एक्चुअली यहां पे आपको मजा आएगा विद द विदी हर्ट डिस्प्ले बट जैसे ही अगर आप बाकी गेम्स की बात करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल सी एस गो तो सी एस गो टेन एटी पी पे दे रहा था सेवनटी एटी एफ पी एस कभी कभी गिर भी जाता था तो अगर आपको कॉन्स्टेंट अच्छा खासा एफ पी एस चाहिए वहां पर तो आपको सेवन ट्वेंटी पी पे खेलना पड़ेगा एंड अगर मैं फिर बाकी गेम्स की बात करूँ लाइक जी टी एफ आई फोर्जा पब्जी ये सारी गेम्स तो सेवन ट्वेंटी पी पे भी तीस चालीस एफ पी एस ही दे रही थी तो उन सब के लिए ये लैपटॉप नहीं है तो सीरियस गेमिंग अगर आपको करना है तो मैं दूसरे ऑप्शन लिस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप वो जाके ले सकते हो दिस इज नॉट मेड फॉर गेमिंग तो अब पूछोगे कि यार ये किसके लिए बनाया गया तो फिर क्यों खरीदे हम ये लैपटॉप वेल इट्स मेजरली मेड फॉर प्रोडक्टिविटी जो लोग ऑफिस में काम करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो गेमिंग ज़्यादा नहीं करते उनके लिए ये लैपटॉप बनाया गया है बिकॉज सबसे पहले तो इसका जो डिस्प्ले है दैट इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग शाओमी ने यहाँ पे आपको क्लास लीडिंग डिस्प्ले दिया है इसका जो रेजोल्यूशन है that's थ्री पॉइंट टू के तो ये टू के और फोर के के बीच में है काफ़ी क्रिस्प डिस्प्ले है क्योंकि ये प्राइस सेगमेंट में बाकी सारी ब्रांड्स आपको खाली टेन ए टीपी का डिस्प्ले देते हैं एंड वो डिस्प्ले सिक्सटी हर्ट्स होते हैं यह लैपटॉप पर शाओमी आपको नाइन्टी हर्ट्स का डिस्प्ले दे रहा है।

आई फील की और थोड़ा ब्राइटर डिस्प्ले चल सकता था बट ये प्राइस सेगमेंट में यूजली यही ब्राइटनेस के लैपटॉप आपको मिलते हैं तो आई एम नॉट कम्पलेनिंग दैट मच तो डिस्प्ले तो इस लैपटॉप का बहुत बढ़िया है मतलब इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस क्लास बट इसके स्पीकर जो है दे आर क्वाइट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज खाली दो वॉट के दो स्पीकर दिए आपको एंड क्वालिटी में बिल्कुल भी ज्यादा मज़ा नहीं है तो टॉप क्लास डिस्प्ले तो इसका है ही इसके साथ साथ ये लैपटॉप का परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आई फाई इलेवन जेन प्रोसेसर है मेरे वेरियंट पे सिक्सटीन जी बी रेम है और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सिक्सटीन जीबी ही खरीदना बिकॉज ये जो लैपटॉप है इसमें शोल्डर रैम है तो अगर एक बार आप एट जीबी ले लोगे तो फ्यूचर में आप एक्स्ट्रा एड नहीं कर पाओगे एंड आई फील विंडोज नाउ नीड सिक्सटीन जी बी ऑफ रैम तो अगर आप एक्सेल वैक्सेल पर हैवी काम करते हो फोटोशॉप प्रेमियर प्रो कुछ भी यूज़ करने वाले हो सोलह जी बी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना हो एंड यह लैपटॉप का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है मतलब गेमिंग के अलावा मैंने इसे काफ़ी सारे अलग अलग वर्कलोड में डाला था जो भी मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले मैंने एक्सेल शीट रन की काफ़ी ज़्यादा चालीस पचास हज़ार रोज वाली कॉलम्स भी बहुत सारी थी एंड ये इसे आसानी से हैंडल कर पा रहा था इनफैक्ट मैंने यहाँ पर फिल्टर्स भी यूज करने की ट्राई की है अलग अलग कुछ भी मस्ती करने की भी ट्राई की है मिलेगा प्लस मैंने यहाँ पे क्या किया गूगल क्रोम पे तीन चार फोर के सिक्सटी एफ पी एस के वीडियो प्ले किए उसके साथ साथ ये एक्सेल की फाइल ब्राउज की चीजें भी की स्टिल एबल टू हैंडल इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो ऐसा नहीं है कि आपका लैपटॉप ऐसे कुछ हैवी काम में गिर भी जाएगा काम नहीं करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इट इज ईजिली एबल टू हैंडल मेजोरिटी ऑफ द लोड विदाउट एनी प्रॉब्लम प्लस यहाँ पे फोटोशॉप भी आप यूज कर सकते हो मैं आपको स्क्रीन पर थोड़े से बेंच मार्क्स दिखा रहा हूँ जो मैंने किए थे एंड फोटोशॉप प्रेमियर प्रो ये सारी चीजें एकदम अच्छी तरह से चलती है प्रेमियर प्रो पे मैंने फोर के फाइल्स यूज की मेरे डी एस एल आर से सोनी ए सिक्सटी फोर हंड्रेड से एंड आप देख सकते हो कि ये जो फाइल है ये ईजिल इसे फोर के में प्ले बैक कर पा रहा है ऑन दी प्रेमियर प्रो बट जब आप ढेर सारे 4K फाइल्स एक साथ प्ले करते हो आप देख सकते हो मैं अभी चार फाइल प्ले कर रहा हूं तो जब आप ऐसे करते हो तो आपको शायद से जो टाइम का रेजोल्यूशन है उसको फोर से थोड़ा कम करना पड़ेगा प्रीव्यू वाले रेजोल्यूशन को बट बाकी इट स्टिल एबल टू गो थ्रू दी एडिट वेरी स्मूथली वेरी इजिली एंड मैंने एक बारह मिनट का फोर वीडियो एक्सपोर्ट भी किया था उसे कुछ तेरह चौदह मिनट लगे थे तो डेफिनेटली आप फोटोशॉप वीडियो क्रिएशन का, का काम आपके ऑफिस का जो डे टू डे यूजेज है आसानी से इस लैपटॉप पे कर सकते हो गेमिंग के अलावा जो भी काम आप करते हो कोई भी लैपटॉप पे यहाँ पे काफी अच्छी तरह से होता है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था यहाँ पे फाइव ट्वेल्व मतलब रीड राइट की बात कर लो या फिर लैपटॉप को बूट अप करने की स्पीड्स की स्पीड भी बात कर लो तो दस सेकंड में लैपटॉप बूट हो जाता है प्लस उसके अलावा यहां पे अगर आप एप को लॉन्च करने की स्पीड की भी बात कर लो तो एकदम सब कुछ मक्खन की तरह चलता है ऐसा नहीं है कि लैपटॉप आपने बूट किया फिर आपको दस पंद्रह तीस सेकंड वेट करने की जरूरत है ताकि सारे एप्स चालू वालू हो जाए सब कुछ एकदम क्विकली हो जाता है

द थिंग विथ नेटफ्लिक्स तो आप इजीली छः से सात घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम और टिपिकल यूजेज निकाल सकते हो इस लैपटॉप में से बट अगर आप कुछ भी ज़्यादा इंटेंसिव कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी बैटरी लाइफ ड्रास्टिकली नीचे जाएगी लाइक एनी अदर लैपटॉप तो बैटरी के बारे में मैं आपको एक यू you नो know, सबके यूजेज के अलग के हिसाब से तो आप ऑन एन एवरेज सात से आठ घंटे का यूजेज पकड़ के चल सकते हो प्लस यहाँ पे चार्जिंग भी आपको 65 फाइव वाट का मिलता है सो दैट्स अमेजिंग शाओमी ये एकदम बल्कि सा अडेप्टर देता है बॉक्स में बट द गुड पार्ट इज कि ये 65 का चार्जर है एंड ये यू एस बी टाइप सी है तो आप कोई भी दूसरा टाइप सी चार्जर भी यूज कर सकते हो इन केस यू डोंट वॉन्ट यूज दिस चार्जर मुझे रियलमी का अप्रोच ज्यादा अच्छा लगा रियलमी बुक में उन्होंने मैकबुक के जैसा कॉम्पैक्ट चार्जर दिया है मुझे ये बल्कि चार्जर्स बहुत ही इरिटेटिंग लगता है तो शावी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर सकता है सो वुड बी ग्रेट चार्जिंग पोर्ट के अलावा आपको यहाँ पे एक और टाइप सी पोर्ट मिलता है जो कि थंडोबोल्ट फोर सपोर्ट करता है एंड दिस इज़ अ रियली गुड थिंग क्योंकि अगर आपको एक्सटर्नल जी या कुछ ऐड करना है थंडरबोल्ट केबल के थ्रू तो आप वो कर सकते हो तो पोटेंशियली अगर आप एक्सटर्नल जी लगाओगे तो आप इस पर गेम भी कर सकते हो यानी ये थंडरबोल्ट पोर्ट और काफ़ी सारी चीज़ों के काम में आता है फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप पर एक और एच पोर्ट है तो मैंने उससे एक मॉनिटर कनेक्ट किया फिर यहाँ पे थंडरबोल्ट में एक टाइप सी टू एच डी एम आई कन्वर्टर डाल के एक और मॉनिटर कनेक्ट किया तो टोटल तो तो आप एक ट्रिपल मॉनिटर सेटअप भी कर सकते हो जिसमें एक डिस्प्ले ये लैपटॉप का है एंड बाकी दो दूसरे मॉनिटर्स हैं एंड एच डी एम आई एच डी आर भी सपोर्ट करता है तो एच डी आर वीडियो आप देख सकते हो ऑनऑन एच डी आर टीवी और मोनिटर प्लस उसके अलावा तो अगर आपको आपके होम थिएटर में या कहीं पर इसे कनेक्ट करना है तो डॉलबी एटमोज के साथ नेटफ्लिक्स पर भी प्लेबैक कर सकता है सो दैट इज अ रियली गुड थिंग तो इनपुट आउटपुट के मामले में सारी चीजें एकदम कवर्ड है तो कुछ भी कंप्लेन करने जैसा नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया इसकी डिस्प्ले क्वालिटी वैसे तो काफी अच्छी है बट ये डिस्प्ले एच डी आर सपोर्ट नहीं

जो कि काफ़ी इंटेंसिव होता है तो इसके टेम्परेचर्स गए थे 80 डिग्रीज के आसपास एक कोर का शायद 90 डिग्री के आसपास भी गया था फिर मैंने जब प्रेमियर प्रो पे वीडियो एक्सपोर्ट किया था तो उसका भी डेटा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कितना मैक्स टेम्परेचर गया था तो आप वो भी देख सकते हो एंड गेमिंग के टाइम भी ये सी पी यू डिग्रीज़ के आसपास जाता ही है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है लैपटॉप पर कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि की के जो ऊपर वाला एरिया है वो फोटी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन डिग्रीज तक भी जा सकता है एंड धीरे धीरे जब आप गेम खेलते हो तो बीस मिनट में आपकी जो कीज है डब्ल्यू एस डी जो आप गेम्स में यूज करते हो वो कीज के आसपास भी टेम्परेचर फोर्टी थ्री फोर्टी फोर डिग्रीज के आसपास जाने लगता है तो डेफिनेटली अगर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए गेमिंग करना है तो दिस लैपटॉप इज नॉट फॉर यू नॉर्मल टास्क में कभी भी ये लैपटॉप हीट नहीं हुआ था या ज़्यादा टेंपरेचर्स नहीं गए थे इसके बस गेमिंग के टाइम या फिर इंटेंस वीडियो एक्सपोर्टिंग या रेंडरिंग के टाइम इसके टेम्परेचर्स हाई जाते हैं एंड फैंस भी थोड़े लाउड हो जाता है सो यू नीड टू कंसिडर दैट बाकी नॉर्मल काम में कभी भी मुझे इस ये लैपटॉप ओवरहीट करता हुआ नहीं दिखा या फिर थ्रॉटल करता हुआ भी नहीं दिखा एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पे आपको एक 720P का वेबकैम भी मिलता है तो क्वालिटी जाके देख लो ठीक hey तो है सैम्पल है फ्रॉम दी मी नोटबुक अल्ट्रा मतलब उतना कुछ खास नहीं लग रहा वेबकैम मुझे यहाँ पे एक्सपोजर काफी टाइम चेंज होते जा रहा है बिकॉज आई अ विंडो देर बट uh, फिर भी मुझे मैकबुक वैकबुक जितना अच्छा तो आई डोंट थिंक इसका वेब कैम है ना आप देख सकते हो काफ़ी नॉइज भी है एंड द क्वालिटी इज नॉट क्रेजी तो ठीक ठाक है वेब कैम आपका काम वाम चल जाएगा एंड आप मुझे बताना कि आपको ऑडियो क्वालिटी भी कैसी लग रही है इसके जो डिफॉल्ट माइक्रोफोन है उससे ही रिकॉर्ड हो रहा है सो डू लेट मी नो हाउ एवरी इज हर एक मैं बेसिक चीज़ तो बताने ही भूल गया कि इसमें आपको विंडोज टेन मिलता है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है मतलब ऑफकोर्स विंडोज ही होगी यहाँ पे एंड कोई भी टाइप का ब्लोटवेयर या कचरा आपको नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको एड्स का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पहली बार लैपटॉप रिव्यू कर रहा हूँ ना तो कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ एनीवेज और लैपटॉप रिव्यूज़ देखने तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में तो अभी इसकी प्राइजिंग की बात कर लेते हैं तो मेरे पास जो वेरिएंट है उसकी प्राइजिंग है सिक्सटी थ्री ट्रिपल नाइन एंड करेंटली शाव में कुछ कैशबैक भी ऑफर कर रहा है तो इसकी प्राइस कुछ सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ के आसपास आ जाती है एंड मेरे हिसाब से इस प्राइस में दिस इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रांग अल्ट्रा बुक अगर आपको आपके ऑफिस के काम के लिए या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड वो सारे कोडिंग के लिए या फिर जस्ट डे टू डे काम के लिए अगर आपको एक लैपटॉप लेना है ये प्राइस सेगमेंट में दिस इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बिकॉज यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है बैटरी अमेजिंग है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी मिलते हैं तो विंडोज लैपटॉप के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज मैं और सारे लैपटॉप्स भी देख रहा था ये प्राइस सेगमेंट में तो एच पी डेल ये सब के ऑप्शन है तो उन लैपटॉप्स में एक्चुअली क्या है कि स्पेसिफिकेशन सिमिलर है बट ये लैपटॉप के कंपेरिजन में और कुछ एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा इनफैक्ट वहाँ पर आपको यू you नो know, बैटरी शायद से थोड़ी छोटी मिल रही है या फिर डिस्प्ले टेन ए टी सिक्सटी हर्ट्स का मिल रहा है तो वो सारे एरियाज में यह बेटर है तो डेफिनेटली अगर आपको एक अल्ट्रा बुक चाहिए सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ के आसपास तो आई हैव नो प्रॉब्लम इन रिकमेंडिंग दी मी नोट अल्ट्रा इनफैक्ट आई वुड से अगर

बट सो फार फॉर अराउंड सिक्सटी थाउजेंड रुपीज आई थिंक द मी नोटबुक अल्ट्रा इज अ गुड ऑप्शन खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हो अभी के लिए बताना कुछ रह गया मुझसे कुछ ऐसी चीज थी जो कवर करनी चाहिए थी तो आप भी वो मुझे कॉमेंट में बता सकते हो एंड वीडियो अच्छा लगा लाइक करो नहीं अच्छा लगा दो बार डिसक कर लेना दैट्स इट फॉर नाउ स्टे होम एंड स्टे सेफ